नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील स्वागत करता हूं आपका दृष्टि क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। आज का जो हमारा सेशन है, आज जो मैं आपको बताने वाला हूं, आज बेसिकली मैं एक सबरीमाला मंदिर के बारे में जिक्र करने वाला हूं। सबरीमाला एक्ट के बारे में आपने सुना ही होगा, बहुत अच्छे से यकीनन आपने सुना होगा। अगर नहीं सुना है तो मैं हूं ना आपके साथ में। हम लोग को ये जानना है आज के इस छोटे से सेशन के अंदर, कुछ ही चंद ही मिनटों के अंदर, कि सबरीमाला एक्ट बेसिकली है क्या, क्यों इसके ऊपर इतना विवाद हो रहा है। सर ये तो बहुत पुराना चल रहा है, तो आज ये सेशन आप क्यों लेके आए हैं? तो मैं आज ये बेसिकली इस वजह से लेके आया हूँ क्योंकि 21 साल का एक लड़का, राजस्थान के जयपुर का रहने वाला, भारत में सबसे कम उम्र का जज बना है आज। इस वजह से और उससे उसके इंटरव्यू में सबरीमाला से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। हालांकि एक मुद्दा है, बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है ये, लेकिन फिर भी हमारे किसी न किसी पेपर में अगर आ गया या किसी इंटरव्यू में पूछ लिया गया तो यूं समझ लीजिएगा वो मुद्दा थोड़ा और इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हमें जानना है कि ये सबरीमाला विवाद क्या है। जैसा कि सभी को पता होगा कि इस मंदिर के अंदर सबरीमाला टेम्पल जो है, जो कि केरला के अंदर पड़ता है, केरला के पठानाम थिट्टा नामक एक पहाड़ी में पड़ता है ये, उसके अंदर महिलाओं को जाना वर्जित है, महिलाओं को जाने की रोक है। अच्छा, कितने से कितने उम्र तक की? 10 साल से 50 साल के बीच की जो उम्र की महिलाएं हैं वो महिलाएं इस टेम्पल में नहीं जा सकती है, उनका जाना जाने पे रोक है। सर क्यों रोक है? क्योंकि वहाँ के लोकल जो आपके डायबिटीज़ है, जो मानती है, जो पुजारी है, मानना है कि इस एज के बीच में महिलाएं शुद्ध नहीं होती है। उनका एक पीरियड टाइम होता है, एक मेंस्ट्रुएशन साइकल्स होता है या रजोधर्म होता है, उस दौरान महिलाएं पवित्र नहीं होती है, और महिलाएं अगर पवित्र नहीं है तो पूजा करने के योग्य भी नहीं है। इस वजह से उनको इस टेम्पल में जाने के लिए रोक है। इतनी तो बात आपको ठीक है, ये पहले से भी पता होगी। तो चलिए हम लोग बात जान लेते हैं पहले तो ये कि ये मंदिर जो है वो किससे संबंधित है। वहाँ पे एक मंदिर भगवान है, उन भगवान का नाम है अयप्पा, वहाँ की लोकल लैंग्वेज में नाम है भगवान अयप्पा। सर भगवान अयप्पा कौन है? तो भगवान अयप्पा जो है वो भगवान विष्णु के एकमात्र स्त्री अवतार, जिसका नाम है मोहिनी, और भगवान शिव के बेटे भी हैं। ऐसा कहा जाता है कथाओं में कि मोहिनी अवतार भगवान विष्णु का है और उनका एकमात्र ये स्त्री अवतार था ये, और उनको देख के भगवान शिव का वीर्य पतन हुआ था। इस वजह से कहते हैं कि एक जो है पुत्र प्राप्त हुआ और उनका नाम जो था भगवान अयप्पा रखा गया है। बेसिकली भगवान अयप्पा शुद्ध ब्रह्मचारी बोले जाते हैं, प्योर ब्रह्मचारी हैं बचपन से ही। उन्हें कहा जाता है कि वो बिल्कुल सबसे सुंदर भगवान हैं आपके, ठीक है। उसके अलावा तभी वो ब्रह्मचारी हैं, तभी इस मंदिर में जाने के लिए केवल ब्रह्मचारियों की ही एंट्री होती है। इस मंदिर में जा कौन सकता है? सर इस मंदिर में 10 साल से कम उम्र की महिलाएं और 50 साल से ज़्यादा की उम्र की महिलाएं, क्योंकि 10 और 50 साल के बीच में महिलाओं में एक प्रोसेस होता है, बायोलॉजिकल प्रोसेस कह सकते हैं आप, जिसका नाम है मासिक धर्म या मेंस साइकिल या पीरियड्स का होता है, और इसी बीच में वो महिलाओं को जाने के लिए रोक का नियम है। और 50 साल से ऊपर की महिलाएं यानी कि बुजुर्ग महिलाएं जा सकती है, पहले से जाती आई है, ऐसा 1891 और 1901 के ब्रिटिश समाचार पत्रों में भी लिखा गया है कि इसमें बुजुर्ग महिलाएं जो है वो जाती थी। लेकिन जो है इसमें पुरुष भी जाते हैं, पुरुष तो सभी जा ही सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि मुँह उठा के सीधा ही चले गए इस मंदिर में। इस मंदिर में जाने के लिए तकरीबन 41 दिनों का एक व्रत रखना पड़ता है। उस व्रत को जो है वो मंडल व्रतम कहा जाता है। इस मंडल व्रतम के दौरान क्या करना होता है? इसके दौरान किसी शादी ब्याह के प्रोग्राम में शामिल नहीं होना, अच्छा किसी बर्थडे पार्टी में शामिल नहीं होना, सेक्सुअल एक्टिविटी से दूर रहना, बाल नहीं काटने, नाखून नहीं काटने, ठीक है, अपशब्द नहीं बोलना, काले नीले कपड़े नहीं पहनने हैं, ठीक है, और शुद्ध ब्रह्मचारी जीवन व्यतीत करना है।
और जब जाते जाएंगे ये, ठीक है, तो उसके दौरान एक सर के ऊपर एक छोटा सा इन्हें रखना होता है कुछ है, उसका नाम है पल्ली कट्टू बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में। ये पल्ली कट्टू एक झोला टाइप का, थैला टाइप का होता है, जिसमें गुड़ है, नारियल है, चावल है, ऐसी कुछ चीज़ें हैं, सर पे रख के और उन्हें लेके जाते हैं। ये एक पूरी यात्रा होती है। और दूसरी बात ये है कि ये जो अयप्पा मंदिर का जो आप ये लोग जाते हैं या यात्रा करते हैं, ये ऐसा नहीं कि सारा साल इसका रास्ता खुला होता है, ये तकरीबन नवंबर से लेके और जनवरी माह के बीच में ही यात्रा होती है। देखिएगा, दुनिया के अंदर या हमारे इंडिया के अंदर कह सकता हूँ मैं, सबसे ज़्यादा जो लोग जाते हैं वो पहले नंबर पे तो हज यात्रा के दौरान जाते हैं, और दूसरे नंबर पे अगर यात्रा होती है तो भगवान अयप्पा की या सबरीमाला मंदिर की होती है केरला की। तो इतना आपको याद रखना है। अच्छा, ये केरला में पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य जो है उसके पास ही स्थित है आपका। ये पेरियार झील भी आपने सुनी होगी, जहाँ पर आपकी नेहरू कप का आयोजन भी किया जाता है, केरला के अंदर ही पड़ती है वो। अच्छा, अब सुनिएगा इसका विवाद क्या था। ये पहला विवाद कब से शुरू हो रहा है इसका? पहला विवाद इसका साल 1950 से जो है वो सामने आया था आपका, ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ था एक्चुअल में, 1950 में एक विवाद सामने आया और 1965 में केरल हाई कोर्ट ने ये कह दिया कि इसमें जो है वो महिलाएं नहीं जा सकती है, केवल पुरुष ही जा सकते हैं। लेकिन वास्तव में जो ये मामला उछल के सामने आया है, ठीक है, ये मामला उछल के सामने आया कि जब 2006 में एक एक्ट्रेस का मामला हुआ था, 2006 में एक एक्ट्रेस ने कहा था, ठीक है, 2006 में बेसिकली वहाँ के जो उस मंदिर के जो पुजारी हैं, बेसिकली सबरीमाला मंदिर जो है उसको कंट्रोल करता है आपका त्रावणकोर देवासम बोर्ड जो है आपका, ये इसे कंट्रोल करता है। और वहीं के एक पुजारी है जिनका नाम है उन्ना कृष्णा, ठीक है, पूरा नाम तो उनका है परप्पन गड़ी उन्ना कृष्णा। और उन्ना कृष्णा ने ये कहा कि भगवान अयप्पा की शक्तियाँ धीरे 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 कम होती जा रही है। तो उसी टाइम पे कन्नड़ एक अभिनेत्री है जिनका नाम है जयमाला, उन्होंने कहा कि मैं अपने पति प्रभाकर के साथ में इन द ईयर ऑफ 1986 में इस मंदिर की में आई थी और धक्का लगने की वजह से मैं गर्भगृह में प्रवेश कर गई और मैंने भगवान के पैर भी छुए थे और मुझे कुछ पुजारी ने प्रसाद भी दिया था, फूलों का प्रसाद दिया था। तो उसका ये मामला काफ़ी ज़्यादा फैला, काफ़ी दंगे हुए थे और उन्होंने बाद में जो है इसके लिए प्रायश्चित भी किया था कि मुझे शायद ऐसा नहीं करना चाहिए था। हालांकि वर्तमान में जयमाला केरला के अंदर महिला और बाल विकास मंत्री भी हैं आपकी, वो भी आपको खैर पता ही है। लेकिन केरला के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने भी जो है इसके लिए हामी भरी है कि महिलाएं जो हैं वो जा सकती है, लेकिन ये कब हामी भरी है इसके बारे में भी आप जान लीजिएगा। एक्चुअल में क्या हुआ है कि 28 सितंबर 2018 में एक 5 जजों की जो आपकी पूरी बेंच लगाई गई, 5 जजों की बेंच थी, उस 5 जजों के अंदर से एक तो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उस टाइम के जो थे, अभी वर्तमान में तो हमारे हैं शरद अरविंद बोबडे, लेकिन उससे पहले रंजन गोगोई जो थे आपको अभी रिसेंटली रिटायर्ड हुए हैं, उसके अलावा वाई वी चंद्रचूड़ थे, नरीमन साहब थे, लेकिन एक महिला जज थी इंदु मल्होत्रा। 4-1 के रेशो से एक जो है वो सामने बहुमत सामने आया, एक सामने सहमति ये दर्ज की गई कि 4 जजों ने ये कहा कि इसमें महिलाओं को जाना चाहिए, जबकि इंदु मल्होत्रा एकमात्र और जो कि महिला थी एकमात्र, इन्होंने ही कहा कि महिलाएं नहीं जानी चाहिए इस मंदिर में। अब सर, उन जजों ने किस बिहाब पे कहा कि इसमें महिलाएं जानी चाहिए, तो वो तो मुद्दा क्या था, वो मुद्दा ये था कि एक हमारा आर्टिकल होता है 14 आर्टिकल 14वां अनुच्छेद, वो क्या कहता है कि विधि के समक्ष समानता, भी कानून के आगे सब कोई बराबर है, चाहे वो महिला है चाहे वो पुरुष है। तो अगर वो कानून का सहारा लेते हैं, समानता का अगर वो अधिकार लेते हैं, इक्वलिटी का राइट लेते हैं, तो उन्हें जाना चाहिए, जो है कोर्ट उन्हें फैसला सुनाना चाहिए कि सबके लिए बराबर है ये और वो महिलाएं उस मंदिर में जा सकती है। एक ऐसे ही अनुच्छेद 15वां भी है, समानता के अधिकार में ही आता है, और वो ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति से धर्म, लिंग, जाति, नाम, जन्म स्थान, इनसे भेदभाव नहीं कर सकते हैं। तो ये भी बात ही ठीक है। ऐसा ही एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 25वां आर्टिकल नंबर 25, और उसका पहला पार्ट क्या कहता है
की धार्मिक स्वतंत्रता है, हर इंसान को धार्मिक स्वतंत्रता है, वो कैसा भी धर्म अपना सकता है, ठीक है, वो किसी भी प्रकार का धर्म आचरण कर सकता है और वो कैसे भी भगवान के पास में या जिस तरीके से ऐसी यात्राएं वगैरह होती है वो जा सकता है। और इससे पहले एक बहुत बड़ा जो है वो भी मामला सामने आया था, वो मामला कौन सा था, सनी सिग्नापुर मंदिर है एक आपका, उसके अंदर महिलाओं को जाने के लिए पहले रोक हुआ करती थी लेकिन बाद में उन्हें ये रोक हटा दी गई थी। उसके अलावा एक हाली जो हाजी अली दरगाह थी उसमें भी महिलाओं के जाने के लिए रोक थी लेकिन बाद में वो भी रोक जो है वो हटा ली गई। तो उन्हीं इन सभी चीज़ों का आधार मानते हुए 28 सितंबर 2018 को ये फैसला आया कि महिलाएं मंदिर में जा सकती हैं। सर, इंदु मल्होत्रा ने क्या बात कही, तो इन्होंने कहा कि ये धार्मिक चीज़ों के अंदर सुप्रीम कोर्ट को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए या लॉ एंड जस्टिस उसमें नहीं लगाना चाहिए, ये वहाँ का लोकल या त्रावणकोर देवस्वम बोर्ड जो है या वहाँ के जो पुजारी है, जो वहाँ के धार्मिक लोग हैं, वही इसे डिसाइड करे, हमें इसके अंदर इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, ऐसा इंदु मल्होत्रा जस्टिस का कहना था। लेकिन बाद में हुआ क्या इसके ऊपर, 18 अक्टूबर 2018 को ही इसके अंदर क्या हुआ, पहली बार महिलाओं के जाने के लिए एंट्री हुई थी लेकिन बहुत भारी पुलिस लगा दी गई थी, किसी के लिए जाने के लिए बहुत बड़े दंगे वगैरह होने के लिए गुंजाइश भी थी, इस वजह से पुलिस थी और एक बड़ा ही जो है वो टेंस्ड माहौल बन गया था उस टाइम पे। आगे का मुद्दा ये हुआ कि 2 जनवरी 2019 को एक बहुत ही बड़ा मामला सामने आया, दो महिलाओं ने प्रवेश किया और प्रवेश करने का उन्होंने दावा किया, एक महिला का नाम बिंदु था, एक का नाम था कनक दुर्गा, इन्होंने ये दावा किया कि हम इस मंदिर में जा चुकी हैं और इनके इस दावे की वजह से बहुत बड़ा टेंस्ड माहौल बना उस केरल के मंदिर सबरीमाला मंदिर के लिए। और महिलाओं को जाने के लिए जो रोक लगाई गई थी इसके लिए 35 लाख महिलाओं ने एक लाइन बनाई थी, 35 लाख महिलाओं ने 620 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला जो है वो लाइन तैयार की थी, ये बहुत बड़ा हंगामा था उस टाइम पे, आप इमेजिन कीजिएगा 35 लाख महिलाएं हाथ से हाथ पकड़ के और एक लाइन बना दी है, पूरी दीवार खड़ी कर दी है, एक बहुत बड़ा मामला था। जबकि वहाँ के जो लोकल लोग हैं, लोकल महिलाएँ हैं, उनका ये मानना है कि ठीक है हमें नहीं जाना चाहिए, लेकिन कुछ एक्ट्रेस का मामला है या कुछ वहाँ के और जो लोगों का ये मामला है, या एक पहले जो व्यक्ति थे जिन्होंने याचिका दायर की थी उनका नाम था एस महेंद्रन, तो ये काफ़ी बड़ा एक मामला गड़बड़ाता गया, टेंशन टेंस होता गया, बढ़ता गया, तो इसके लिए फिर एक बार लोकली जो है वो रोक लगा दी गई थी। सो अब ये मामला है हमारा एक प्रकार का, एक्चुअल में ये केवल अनुच्छेद हमारे मौलिक अधिकार में नहीं है, हमारे मूल कर्तव्य भी कहते हैं, जो स्वर्ण सिंह समिति के कहने पे तैयार किए गए थे 51E पार्ट में लिखा हुआ है कि महिलाओं के खिलाफ जो विरुद्ध चीज़ें हैं उन चीज़ों को हटा देना चाहिए, जिन चीज़ों में महिलाओं का अपमान होता है या मानहानि होती है उन वैसी चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए। तो इस प्रकार का जो है ये आपका सबरीमाला मामला है, सो आपको याद रखना है इसमें कितने से कितने महिलाओं को रोक है, 10 से 50 साल के बीच की महिलाओं का रोक है, अभी ये कंट्रोवर्सी एक टाइप से चल ही रही है, ऑनगोइंग है, फाइनली देखिएगा इससे क्या जो रहता है, जो सामने आता है मुद्दा, ठीक है। आपके क्या विचार है इसके बारे में, आपके क्या कमेंट है, आप क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में, क्या सुप्रीम कोर्ट ठीक कर रहा है, क्या लोकल बोर्ड ठीक कर रहा है, क्या ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आप मुझे अपने विचार कमेंट सेक्शंस में लिख के जरूर बताइएगा। ये सेशन आपको कैसा लगा ये भी मुझे बताइएगा, ऐसी ही बेहतरीन और न्यूज़ के बारे में आपको अगर जानना है तो आप मुझे कमेंट में लिख के जरूर कहिएगा कि सर ऐसे ऐसे सेशंस या कुछ मुद्दे आप हमें डिटेल से समझा सकते हैं ऐसे, तो थैंक यू सो मच, हम बहुत जल्द मिलते हैं कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ में, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।